Alif Layla, Alif Layla. खुदा मुझे वो लफ्ज याद दिला दे, मुझे बाहर जाने का लफ्ज याद दिला दे। ऐ मेरे सबीर, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए इस हराम की दौलत। मेरे जमीर, खुल जा, खुल जा, मेरे मेरे हुकुम से खुल जा, खुल जा मेरे हुकुम से, खुल जा, खुल जा, खुल जा सिम सिम। दिन हम यहां ऐश करेंगे, मौज उड़ाएंगे और इस हसीन लड़की का रक्स देखेंगे। उठाओ जाम, उठाओ जाम के जन्नत से कम नहीं दुनिया। पियो, पियो के तुम्हें एतबार आ जाए। नाचो। Thank you.
छोड़ दो उसे, ये सिर्फ नाच और गाने की महफिल है, यहां किसी और चीज की इजाजत नहीं। नहीं सरदार, इस वक्त मुझे सिर्फ लड़की दिखाई दे रही है, इसके सिवा कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम भी नहीं? नहीं, इस वक्त जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मार डालूंगा। सरदार, मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे सामने मत आना। सरदार, सरदार रुक जाओ, मैं कहता हूं वहीं पर रुक जाओ, मैं सच में मार ढलूंगा। सरदार हट जाओ मेरे सामने से, मैं मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कौन है? कौन है ये? कौन हो तुम और यहां कैसे आए? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? माफी सरदार, माफी सरदार, माफी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए। सरदार, सरदार मुझे मुझे जाने दो, सरदार मुझे जाने दो, सरदार। माफी, माफी सरदार, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हमारे राज जान चुके हो, अब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। Oh, shit!
अम्मीजान, अम्मीजान, क्या हुआ आपको? खाए तो है? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं हाशिम। ख्याल? हाँ। कैसे ख्याल? तुम्हारे अबू अभी तक घर नहीं आए। अरे नहीं लौटे तो लौट आएंगे, कहीं दोस्त यारों में रह गए होंगे। इतना घबराने की क्या बात है? हाशिम बेटे, तुम जल्दी से एक काम करो, तुम जरा किले तक चले जाओ और वहां जाकर के अपने अब्बू को तलाश करो। जो हुक्म अम्मी जान, मगर आप अपने आप को संभालिए। हाशिम, हाशिम बेटे, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सवाल यह है कि इस आदमी को सिमसिम का राज कैसे मालूम हुआ? इसने खुद पता किया या किसी और ने इसे बताया? अगर कोई और है तो फिर वो कौन है? हाँ, और उस तक किस तरह पहुंचा जा सकता है? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिमसिम का राज इसके साथ ही खत्म हो गया हो। मुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन लेकिन हमें यही मानकर चलना है कि इस राज को कोई और भी जानता है। और जब उसका ये साथी उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो खुद इसे तलाश करता हुआ यहां जरूर आएगा। और इस तरह ये बात हमें आसानी से मालूम हो जाएगी कि अकेला था या इसका कोई साथी और भी है। बहराम जी सरदार, कल जब हम यहां से रवाना होंगे तो तुम यही रुक जाना, अगर इसका कोई साथी है तो वो इसे तलाश करता हुआ जरूर यहां आएगा और बहराम के हाथों मारा जाएगा। क्या भाईजान अभी तक नहीं आए? जी हाँ, वो अभी तक नहीं लौटे, घर पर अम्मी जान बहुत ही परेशान है। बेटे वो आते ही होंगे। जी अम्मी जान ने दरियाफ्त किया है कि वो जगह यहां से कितनी दूर है। अब तक तो भाई जान को आ जाना चाहिए था। आपने कुछ फरमाया? हाँ नहीं नहीं बेटे, हो सकता है किले का दरवाजा बंद हो गया हो और वो उसके बाद पहुंचे हो। हाँ शायद ऐसा ही हुआ हो। बेटे हाशिम, तुम अब घर जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो, वो सुबह तक जरूर आ जाएंगे। जी बेहतर है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तक तो भाईजान को आ जाना चाहिए था। अगर ये यहां से जिंदा बचकर निकल जाता तो हम सब की शामत आ जाती। वही मत गुजरी कि ये रंगे हाथों यहां पकड़ा गया। इसका साथी जरूर यहां आएगा। बहराम, तुम होशियार रहना, हम कल फिर वापस आएंगे। चलो। क्या बात है भाभी जान, आपने मुझे याद किया? तुम्हारे भाईजान अभी तक घर नहीं आए, कहीं तुमने उन्हें किसी गलत जगह का पता तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं भाभी जान, पता तो मैंने बिल्कुल सही बताया था। अरे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम अपने सगे भाई को धोखा दे रहे हो। नहीं नहीं भाभी जान, मैं खुदा को हाजिर नाजिल जानकर वादा करके कह सकता हूँ कि बहाने मत बनाओ और कान खोल करके सुन लो। अगर तुम्हारे भाई शाम तक नहीं आए तो मैं कोतवाल से फरियाद करके तुम्हारे घर को तबाह और बर्बाद कर दूंगी। अम्मी जान कैसी बातें करती हैं? चाचा जान अब्बू के दुश्मन थोड़ी हैं। तुम चुप रहो। चाचा जान मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं भाभी जान की हालत को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तुम इनका ख्याल रखो और इन्हें दिलासा दो, मैं भाई जान की तलाश में जाता हूं। हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया
तो मैं इस मुए का वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। गुस्ताखी माफ अम्मी जान, चाचा जान तो आप पर और अब्बा हुजूर पर जान छिड़कते हैं, लेकिन आप बिला वजह उन पर शक करती रहती हैं। खामोश बदतमीज। लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं जाने दूंगी। बेगम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं, और फिर वो कल से लापता हैं। इधर भाभी जान अलग से परेशान है, ऐसे में अगर मैं भी मुंह मोड़ लूंगा तो कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दूंगा मैं? आप तो उनके लिए मरे जा रहे हैं, मगर उन्होंने आपकी बात तक नहीं पूछी। अगर वो बुरे हैं तो क्या हम भी बुरे हो जाएं? क्या हम भी अपने खुदा और रसूल को भूल जाएं? आप दुरुस्त फरमाते हैं, बुराई के बदले भलाई, यही तो हमारे मजहब की तालीम है। देखा, हमारी मर्जीना भी हमारे हक में कहती है। मैं भाईजान के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। इसका फैसला मैंने खुदा पर छोड़ दिया है। अच्छा, अब तो मुझे रुखसत करो। ठहरिए, अपना बाजू उधर कीजिए, मैं इमाम जामीन बांध दूं। ये आपको हर मुसीबत हर बला से बचाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए चलिए। ऐ पालने वाले, तेरे हबीब के सदके में मेरे मोहसिन को, मेरे आका को दुनिया की हर मुसीबत से बचा। उन पर किसी तरह की आंच ना आने दे, और मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं अपने मोहसिन के एहसान का बदला चुका सकूं। आमीन। अब मैं भाभी जान को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? मैं अहद करता हूं कि अपनी बेवा भाभी जान को मां का दर्जा दूंगा, और हाशिम को अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा भाईजान। अलिफ लैला